गोरखपुर के बेलीपार थाना क्षेत्र के चारपान मोड़ के पास स्कूटी सवार बुजुर्ग की पुलिस की गाड़ी टक्कर के बाद जिला अस्पताल ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई। जिला अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें कि बेलीपार थाना क्षेत्र के चारपान बुजुर्ग निवासी स्वर्गीय रामलाल की पुत्री जानकी की शादी 25 अप्रैल को होने वाली थी। भतीजी की शादी का कार्ड बांटने बसंत निषाद डावरपार बाजार गए थे। इस बीच वापस घर आते समय राष्ट्रीय राजमार्ग से चारपान गाँव की तरफ जा रही सड़क के पास पुलिस लिखी नीले रंग की सुमो गाड़ी नंबर UP 53 AG 1123 से टक्कर हो गई, जिससे बसंत निषाद गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस जीप के चालक ने उन्हें अपनी गाड़ी में लादकर तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस संबंध में गोरखपुर संवाददाता से बात करते हुए मृतक के लड़के वेद प्रकाश और प्रत्यक्षदर्शी सुरेंद्र ने कहा। कहाँ से आए हैं? मेरा नाम प्रेम प्रकाश, गए थे डोर पर कुछ काम से और उधर से वापस आते समय पीछे से आ रहे थे और वो पीछे से गाड़ी मारी है इनको नियर बाई डोर पर चौराहे के पास। किसकी गाड़ी थी, कौन सी गाड़ी? कोई गवर्नमेंट की गाड़ी थी, पुलिस की आई थिंक। सो एक्सीडेंट के बाद क्या हुआ? एक्सीडेंट के बाद उसको लेकर आए हॉस्पिटल में, वही लोग गाड़ी लेकर आए, अभी तो कुछ एक्सपायरी डिक्लेयर कर दिए हैं। सुरेंद्र आ रहे थे डोर पार से कार्ड बांट करके, एकदम पटरी पर थे तब की गाड़ी गई और सामने से डायरेक्ट मारी और नीचे चले गए छटक करके हैं, और गाड़ी में फंस गई, नीचे चली गई गाड़ी, उसको खींच करके निकलवाए हैं, तब जब गाड़ी निकली है तो लेकर के वहाँ उनको लाद करके ले सदर। यहाँ क्या बताया गया? यहाँ बताया गया डॉक्टर लोग चेक किए हैं तो कह रहे हैं मर गए, मृत घोषित कर दिए।